नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। लंबे समय से चल रहे आईपीएल 2023 का कल आखिरकार समापन हो गया, जहां बेहद ही दिलचस्प मुकाबले के बाद चेन्नई ने गुजरात को हराकर पांचवी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ऐसे में बीते दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपने कोस्टा विकी कौशल के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल मैच देखने पहुंची थी। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि गुजरात टीम के खिलाड़ी शुभमन गिल और सारा अली खान का नाम काफी समय से एक साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसे में अब कल के मैच के बाद से इंटरनेट पर सारा जमकर ट्रोल होती हुई भी दिखाई दे रही है। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को लोग इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि फाइनल मैच में शुभमन गिल जल्दी ही आउट हो गए थे। जहां शुभमन ने मुंबई के खिलाफ शतक जड़ा तो वहीं फाइनल मैच में 39 रन बनाकर ही आउट हो गए। लोगों का अब ये मानना है कि इस मैच को सारा अली खान देखने पहुंची थी, इसलिए शुभमन जल्दी ही आउट हो गए। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के जीतने के बाद सारा अली खान काफी खुशी दिखाई दी थी, इसलिए लोग अब सारा को बेवफा कहते हुए भी देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि काफी समय से शुभमन और सारा का नाम एक साथ जोड़ा जा रहा था, जहां दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट भी किया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि शुभमन और सारा ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। इसी के साथ शुभमन गिल का नाम सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ भी जोड़ा जाता है। आपको बता दें कि आईपीएल मैच में सारा अली खान अपने आने वाली मूवी जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन के लिए भी पहुंची हुई थी, जहां उनके साथ उनके को एक्टर विकी कौशल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये मूवी 2 जून को रिलीज होने वाली है। विकी और सारा इस मूवी का प्रमोशन जोरों शोरों से कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ था, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था और अब फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सब से हटकर आपको कल का मैच कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।